Hi all, this is Anjali and this is our second set for practical programming questions for 12th IP. So IP के practicals होने वाले हैं अब सारे schools में practicals शुरू हो रहे हैं जहाँ पे आपको वाइबा के questions पूछे जाएंगे जिसपे already मैं तीन sessions ले चुकी हूँ. and we have done one set of programming questions in this video we will be doing second set of programming questions right so we are going to do second set of programming questions over here hum isko pycharm me chalake dekhenge ki kis tarah se programs chalte hain and usi tarike se aapko apne school lab me bhi करके दिखाने होंगे, ठीक है? so ये दो question series के हैं। we have done that हम शुरू करेंगे data frame से। that is question number 3 let's see how many questions we can do today so we'll start with this first question before we start with this I would like to introduce a very nice um, feature on unacademy as you know I'm a plus educator on unacademy so I take plus classes that is paid courses plus free lessons as well and rows चार से पांच free classes होती हैं ठीक है जो हम करते हैं Anacademy पे जिसमें कोई भी join कर सकते हैं मेरी profile का link description में है आप मुझे वहाँ पे join कर सकते हो you can follow me ऑन माई प्रोफाइल एंड यहाँ पर दीज आर द्लस कोर्सेज एंड ये स्पेशल क्लास सेक्शन जो है ये सारी वो क्लासेज हैं जो कि फ्री हैं कोई भी अटेंड कर सकता है कोई भी ज्वाइन कर सकता है सो यू कैन वॉच ऑल दीज क्लासेज एनी टाइम ठीक है जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड भी देखी जा सकती हैं इसके so, अलावा अन अकेडमी पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका नाम है आस्क अ डाउट आस्क डाउट में क्या करना है आपको आपको कभी भी फिजिक्स केमेस्ट्री साइंस में कोई भी डाउट हो आपको सिर्फ आस्क डाउट ऑप्शन पे जाना है एंड आस्क ऑप्शन पे जाने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक द पिक्चर ऑफ योर डाउट सबमिट इट एंड उसके बाद आपको उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा वेरी सून सो वेरी सुन यू विल बी गेटिंग अ वीडियो सॉल्यूशन फॉर दैट ठीक है सो आपके आस्क डाउट ऑप्शन में जब आप जाओगे सो so ये सारे बेनिफिट्स आपको अन अकेडमी डाउट से मिलते हैं जितने मर्जी डाउट्स पूछ सकते हो आज चौदह तारीख है आज आखिरी दिन है एक और बहुत अच्छे फीचर का कि इसमें अगर आप आज दस डाउट पूछ लेते हो अब टाइम कम रह गया है बट स्टिल अभी भी इट इज़ वैलिड टिल ट्वेल्व ओ क्लॉक तो अगर आप कोई भी दस डाउट पूछते हो ठीक है और आपको मिलता है फिफ्टीन डेज का अन अकाडमी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री सो यू गेट दैट सब्सक्रिप्शन एप्सोल्यूटली फ्री डाउट so एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि आपने किस सब्जेक्ट का डाउट पूछा एंड हाउस एक्सपीरियंस डाउट पूछना कैसे है so किस तरह से आपको डाउट पूछने हैं बहुत सिंपल प्रोसीजर है यू नीट टू डाउनलोड द अन अकेडमी एप अगर आपके पास पहले से नहीं है अपना फोन नंबर डालो एंड लॉग इन करो उसके लिए ओ टीपी आपके फोन पे आएगा एंड यू विल बी लॉग्ड इन दैट इज सेट उसके बाद आपको अपनी क्लास चूज करनी है क्लास ट्वेल्थ और इलेवंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे डाउट पूछना है आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो अदरवाइज लॉग इन के बाद यहाँ पे आस्क डाउट ऑप्शन आ रही है जैसे यहाँ पे इधर क्लिक करोगे एंड आप कोड पूछोगे वो आपसे तो आप कोड में एंटर करोगे मेरा नाम दैट इज अंजलि लूथरा सो इफ यू एंटर दैट अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस दी ऑप्शन विल बी अनलॉग क्लिक द पिक्चर अपलोड द क्वेश्चन और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो लेक्चर उसके साथ साथ आज आखिरी दिन है अगर आज आपने दस क्वेश्चन पूछ लिए बारह बजने से पहले तो आपको पंद्रह दिन की अन्य सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगी सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर लिंक योर एक्सपीरियंस आर दी क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है क्रिएटर डेटा फ्रेम एग्जाम वेर ईच रो कंटेन स्टूडेंट एडमिशन नंबर स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ फोर एग्जाम्स ठीक तो है तो स्टूडेंट का नंबर नेम और मार्क्स है एड अनादर कॉलम टोटल मार्क्स परसेंट एंड ग्रेड इन डेटा फ्रेम कैलकुलेट एंड अपडेट टोटल मार्क्स परसेंट ग्रेड ठीक है सो पहले हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें हमें एडमिशन नंबर नाम और चार सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं चलो बना लेते हैं ठीक है ये तो मैंने सी एस वी फाइल से बनाया हुआ है वी डिड इट लास्ट टाइम सो हम अपना खुद का क्रिएट कर लेते हैं और इफ़ यू वांट टू रीड फ्रॉम द सीएसवी फाइल तो हम क्या कर सकते हैं मैं दोनों का मिक्स करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं इसमें हम अदरवाइज आपको डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज की हेल्प से बनाना पड़ता बट लेट्स से कि अगर मैंने सी फाइल में रखा हुआ है सो आई टेक एडमिशन नंबर नेम इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी ठीक है इसके अंदर गिव मार्क्स We give marks. We give marks here. और ऐसे ही हमने यहाँ पर मार्क्स ले लिए ठीक है so, सो चारों का आ गया इसको मैंने सेव कर लिया नाउ वुड आई हैव टू डू मेरे को यहाँ पे एक नई फाइल एड करनी है तो मैंने राइट क्लिक किया न्यू पाइथन फाइल ठीक है इसका नाम दे दिया क्वेश्चन थ्री एन सो दिस इज है सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम we are going to write import pandas as pd ठीक है import pandas as pd अब क्या करना है नेक्स्ट आपको रीड करना है सो डेटा फ्रेम df pd पी डी पी डी डॉट रीड कौन सी फाइल से रीड करना है स्टूडेंट डॉट सी एस वी सिंस जो सी एस वी फाइल है वो हमारे उसी फोल्डर में है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है तो हमें पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है इससे डायरेक्ट आपका रीड होके आ जाएगा आप देखना चाहते हो अपना डेटा फ्रेम तो आप इसको यहाँ पे शो कर दो अगर आप इसको अब रन करके देखते हो सो यू कैन सी दैट हाउ योर डेटा फ्रेम इज कमिंग सो इफ यू रन दिस है ठीक है यू कैन सी आ गया ना डेटा फ्रेम अदरवाइज ये आपको डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज करके बनाना पड़ता अब कहा है कि आपको इसमें एक टोटल नाम का कॉलम चाहिए ठीक है टोटल नाम का कॉलम बहुत सिंपल है हमें चारों को ऐड कराना है सो डी एफ टोटल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो डी एफ इंग्लिश प्लस डी एफ मैथ प्लस डी एफ साइंस प्लस डीएफ हिंदी राइट इसको सेव किया फिर से रन किया सो आप देख रहे हो टोटल आ गया है ना टोटल आ गया परसेंटेज चाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं हाउ डू वी फाइंड परसेंटेज परसेंटेज कैसे निकलती है डी एफ जितने भी आपके टोटल की वैल्यू है अगर 500 में से मार्क्स हैं अगर 500 में से मार्क्स हैं तो डिवाइडेड बाय 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो दैट इज द फॉर्मूला है ना इसी फॉर्मूला से परसेंटेज निकालते हैं सो so मैंने ये फॉर्मूला लिखा अब मैं दोबारा से रन करके देखती हूँ सो so आप देख रहे हो टोटल भी आ गया परसेंटेज भी आ गया अब आती है बारी ग्रेड की पर ग्रेड तो ऐसे नहीं आएगा ना ग्रेड तो सीधी कैलकुलेशन है नहीं है वो कह रहा है द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेड इज गिवन बिलो सो वैसे तो ये जो चीज़ है ये आपके ट्वेल्थ के सिलेबस से बाहर है जो ग्रेड है ये तो हम एक तरीका है कि हम लेमडा फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं और दूसरा हम आइटर रोज की हेल्प से कर सकते हैं बोथ वेज इट इज डिफरेंट ठीक है दोनों तरीके से ये अलग चीज़ है ये आपके ट्वेल्थ आईपी के सिलेबस में नहीं है पर चलो प्रैक्टिकल में अगर पूछ लिया जाए टू बी ऑन अ सेफर साइड इफ़ यू वॉन्ट टू बी तो हम क्या करेंगे हमें क्या करना है एक एक रो को चेक करना है अगर 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ग्रेड को सेट करना है ए तो सबसे पहले तो मुझे खाली कॉलम बनाना पड़ेगा ग्रेड ताकि बाद में मैं उसमें वैल्यूज़ डाल सकूँ तो मैंने खाली कॉलम में ऐसे डाल दिया सेव किया देखें यह चलता है कि नहीं सो क्या आया खाली आ गया ग्रेड में कुछ भी नहीं आ रहा पर कॉलम बन गया ठीक है यू हैव गॉट अ कॉलम वैल्यूज़ नहीं है वो हम डालेंगे सो ग्रेड ले लिया आपने अब आप क्या करोगे अब आप लगाओगे लूप फॉर के इन डीएफ डॉट आईटर रोज ठीक है सो फॉर के इन डी एफ डॉट रोज ये अब एक एक रो को उठाएगा इट विल पिक वन रो एट अ टाइम इसमें से के वन पे ठीक है के वन पे जो ग्रेड है वो आपको चेंज करना है अगर आप यहां पे सिर्फ इतना लिखते हो के वन ग्रेड इज इक्वल टू ए ठीक है और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा रहे हैं अब हम देखते हैं कि इतनी चीज़ से कोई असर होता है कि नहीं होता है सो so, इतनी चीज़ से यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ ठीक है उसने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया क्यों क्योंकि आपने तो के में चेंज किया है के को चेंज करने से डी एफ थोड़ी चेंज हो जाएगा सो so, डी एफ तो चेंज नहीं होगा सो so, आप क्या कर सकते हो यू वॉन्ट टू मॉडिफाई दैट वैल्यू इफ़ यू वॉन्ट टू मॉडिफाई दैट वैल्यू मे बी वी कैन राइट समथिंग लाइक डी एफ डॉट लॉक uh, या एट कुछ भी लगा सकते थे सो डी एफ डॉट लॉक वन कॉमा ग्रेड इज इक्वल टू ए इसको सेव किया इसको चलाया अब यहाँ पे ए आ गया क्योंकि ये रो वन है रो वन का ग्रेड ए हो गया रो जीरो वाली है फिर ये रो टू है ये रो थ्री है सो so, अब मुझे समझ आया कि अच्छा आई वॉन्टेट लाइक दिस अब मुझे इस तरीके से चाहिए तो कैसे करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से सुनना समझ आ जाएगा So, आपने यहाँ पे चेक किया के वन वन की परसेंटेज सो परसेंटेज ठीक है के वन पे जो परसेंटेज है अगर वो नाइन्टी से ज्यादा है ठीक है अगर वो नाइन्टी से ज्यादा है तो यहाँ पे वन की जगह क्या आना चाहिए के जीरो मतलब जो रो फेच हुई है उसका इंडेक्स क्या है तो ये जो k है ना इसमें खुद दो चीजें होती हैं पहला होता है रो का इंडेक्स दूसरा होता है रो की वैल्यूज तो के जीरो इज द इंडेक्स ऑफ दैट रो एंड के वन इज द सेट ऑफ वैल्यूज तो अगर सेट ऑफ वैल्यूज में परसेंटेज नाइनटी से ज्यादा है तो आपको उसका ग्रेड चेंज करके ए करना है सिमिलर वे यू विल पुट कंडीशंस ठीक है आपको यहाँ पे और कंडीशंस देनी पड़ेंगी और वो और कंडीशंस क्या होंगी कि अगर के वन की परसेंटेज अब 80 से ज़्यादा है तो द ग्रेड शुड बी चेंज टू बी सिमिलर वे 60 80 नहीं है 75 है ठीक है 75 के बाद अच्छा सेवेंटी से ज्यादा पे ए था सो इट इज़ नॉट नाइन्टी सो एज़ पर द क्वेश्चन अगर हम लें तो ये सेवनटी हो जाएगा ये सिक्सटी हो जाएगा ये फोर्टी फाइव हो जाएगा सो फोर्टी फाइव पे आपका जो है वो सी है ठीक है और इससे पहले ऑब्वियसली वी विल हैव और क्या कंडीशन है थर्टी थ्री से ज्यादा है तो डी सो थर्टी थ्री से ज्यादा है तो डी थर्टी थ्री से ज्यादा है सो so, यहाँ पे एल एफ और ये कंडीशन ऊपर गई और यहां पे आपने इसको क्या कर दिया थर्टी थ्री सो दिस इज इज्ड दिस इज टैप्ड अब अगर 33 भी नहीं है 33 से भी कम है तो फिर आपका जो ये है ग्रेड दैट इज डी सो इट शुड बी डी इन दैट केस क्लियर अब इसको मैं रन करती हूं अब मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेड आ रहा है बाय चांस बाय चांस की बात है कि सबका ग्रेड बी है ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में कुछ गलत है तो हम चेंज कर देते हैं हम डेटा चेंज करते हैं ताकि हमारा सबका बी ना आए किसी का तो ज़्यादा आए ठीक है so, सो हम्म हम्म, इसका सेवेंटी एट की जगह नाइन्टी एट कर देते हैं ठीक है और इसका थोड़ा और कम कर देते हैं लेट इट बी सिक्सटी सेवन लेट इट बी फिफ्टी एट सो लेट सेव दिस एंड रन द प्रोग्राम अगेन ठीक है तो इसका तो सी हो गया इसको अभी ए में जाने के लिए थोड़े से परसेंटेज की और जरूरत है सो इट बी नाइनटी नाइन और फिर मैंने रन किया सो so, देख रहे हो आया समझ सो so, थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर है सो so, ट्वेल्थ IP के सिलेबस में ये नहीं आता बट सम स्टूडेंट हैड दिस इन देयर स्कूल सो दैट्स वाई मैंने आपको कराया पर टोटल और परसेंटेज निकालना जरूर आएगा वो तो आपका बेसिक क्वेश्चन है सो टोटल और परसेंटेज तो सिंपल है कि डी एफ टोटल में चारों को ऐड कर लिया आपके पास टोटल आ गया फिर आपके पास परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर ली सो दिस इज वेरी कॉमन और ये तो हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा आपसे ये है आइटर रोज जब आप एक एक रो पे काम कर रहे हो सो दिस इज हाउ यू गेट योर ग्रेड्स अब इसको अगर वापस आप किसी टेम्परेरी फाइल में या किसी दूसरी सी एस वी फाइल में राइट करना चाहते हो तो जैसे रीड सी एस वी होता है रीड करने के लिए वैसे ही टू सी एस वी होता है राइट करने के लिए तो आप यहाँ पर रिजल्ट डॉट सी एस वी मैं इसको राइट कराना चाहते हो नाउ यू एग्जीक्यूट दिस वंस यू रन दिस आप देखोगे यहाँ पे एक रिजल्ट डॉट सी एस वी भी आ जाएगी इफ़ यू ओपन दिस अब यहाँ पर टोटल भी आ रहा है परसेंटेज भी आ रही है और साथ में ग्रेड भी आ रहा है और ये भी आ रहे हैं जीरो वन टू थ्री करके आप चाहते हो ये इंडेक्स ना आए तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स सो so, अगर मैं यहां पे लिखती हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स तो ये इंडेक्स नहीं आएगा सो वी कैन रन इट लाइक दिस ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया है एंड अब आप दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें वो अपने आप करोगे बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल राइट अ प्रोग्राम टू शो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन पार्नर्स एंड सीएसवी जो हमने इस प्रोग्राम में भी कर लिया है बस फर्क इतना है कि ये आईपीएल से आपको करना है आईपीएल प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए थी रेस्ट एवरीथिंग इज डन सो यू आर गोइंग टू ट्राई योर क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ योर ओन एंड राइट द कोड इन द कमेंट्स बिलो ठीक है और ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स वी विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो तब तक आप इसको चला के देखो अच्छे से समझो ये कैसे काम कर रहा है एंड फॉलो मी ऑन नान अकाडमी एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइक इट शेयर इट एंड बाय द आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू